तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कैनवी टेक में। दोस्तों, इस वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं 360 लीटर एलजी रेफ्रिजरेटर, जो कि है 2022 का मॉडल, और क्या क्या नए फीचर्स है, क्या नए स्पेसिफिकेशन इसमें ऐड किए गए हैं हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। और सारे बेस्ट बैंक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं, और अगर परचेस करना चाहते हैं तो परचेस भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये वाला रेफ्रिजरेटर आपको शाइनी स्टील कलर में मिल जाएगा, और 3 स्टार इसका स्टार रेटिंग है, और काफ़ी बढ़िया और काफ़ी क्वालिटी प्रोडक्ट्स एलजी आपको डिलीवर करता है, ये तो आपको पता ही है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या आपको कितना स्टोरेज मिलेगा, कैसा इसका लुक है, क्या डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डिज़ाइन की बात करें तो एलजी ने फर्स्ट टाइम ये लॉन्च किया है। जो कंट्रोल पैनल था, कूलिंग पैनल, वो आपको बाहर की साइड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ये कन्वर्टिबल मॉडल है, तो फ्रीज का जो टेम्परेचर कंट्रोल है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये वाईफाई भी सपोर्ट करता है, तो वाईफाई से भी आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। और ये कन्वर्टिबल फ्रीज है, यानी आप फ्रीज़र को फ्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 3 स्टार रेटिंग के साथ आपको देखने को मिल जाएगा, और पूरे साल का 270 यूनिट पर ईयर आपका ये पावर कंज्यूम करेगा। 2022 का ये लेटेस्ट मॉडल है, मॉडल नंबर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। 10 साल का इसका कंप्रेसर का वारंटी है, स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 1 साल का फुल्ली वारंटी आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो स्मार्ट कनेक्ट, यानी आप होम इन्वर्टर पे भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं, और वर्क विदाउट स्टेबलाइजर, यानी स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। स्मार्ट डायग्नोस्टिक सिस्टम है, यानी अगर आपके फ्रीज में कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप डायरेक्ट डायग्नोस करके सर्विस सेंटर को बता सकते हैं कि आपके फ्रीज में क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे ये शाइनी स्टील कलर में काफ़ी बढ़िया लुक दिखने को मिल जाएगा, और आपको एक पॉकेट हैंडल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हैंडल यहाँ से रिमूव हो गए हैं, काफ़ी बढ़िया और स्टाइलिश डिज़ाइन है, एकदम फ्लैट डिज़ाइन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे पॉकेट हैंडल, उसके ऊपर क्रोम का डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाएगा। ये हम इसे ओपन कर लेते हैं, देखिए ये काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन है यहाँ पे। अब हम आगे इस वीडियो में देखेंगे इसका इंटीरियर, आपको कैसा स्पेस इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इसे अंदर से दिखा देता हूँ मैं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे फ्रीज़र सेक्शन। फ्रीज़र सेक्शन में देख सकते हैं आप काफ़ी बढ़िया, और अप्रॉक्स 90 लीटर का आपको फ्रीज़र देखने को मिल जाएगा। 90-95 लीटर तक का फ्रीज़र है इसका। यहाँ पे ये आइस बॉक्स है, आइस बॉक्स में आप पानी डाल सकते हैं, और पूरा आइस नीचे के जो डब्बा है उसमें निकाल सकते हैं। ये रिमूवेबल है, आप इसे निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं पूरा स्पेस यूज़ करने के लिए। अंदर लिखा हुआ है कन्वर्टिबल, यानी कन्वर्टिबल फ्रीज़र है, आप इसे कन्वर्ट करके फ्रीज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आपको यूसेज ज़्यादा है आपका फ्रीज का, और विंटर में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे डोर के साइड दो, यहाँ पे आपको स्टोरेज के लिए, छोटे स्टोरेज के लिए यहाँ पे 2 रैक देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे कुछ और स्पेसिफिकेशन लिखे हुए हैं स्टिकर पे, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब चेक कर लेते हैं इसका फ्रीज कंपार्टमेंट। फ्रीज कंपार्टमेंट में देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चिलर ट्रे देखने को मिल जाएगा। ऊपर की साइड चिलर ट्रे है, और ये कुछ इस तरह का डिज़ाइन है यहाँ पे इसके डोर का, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी बढ़िया आपको स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। ये फ्रेश जोन, यानी ये चिलर ट्रे है, यहाँ पे फिश मीट है, या फिर आप कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स है यहाँ पे आप रख सकते हैं। ये चिलर ट्रे आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। नीचे के साइड आपको 2 रैक देखने को मिल जाएगा, और हाइजीन फ्रेश का भी ऑप्शन है, यानी आपके जो प्रोडक्ट्स है, आप जो भी चीज़ें यहाँ पर रखते हैं तो वो फ्रेश रहे, इसके लिए एक हाइजीन फ्रेश का भी एक टेक्नोलॉजी यहाँ पर दिया गया है। ये देख सकते हैं 2 रैक है, और 2 रैक, और तीसरा अगर आप बोलें तो नीचे की साइड जो वेजिटेबल बॉक्स है वो भी 1 रैक का आप गिन सकते हैं। अगर आप रैक को एडजस्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। जो वेजिटेबल बॉक्स है वो भी काफ़ी बड़ा सा दिया गया है, आप देख सकते हैं पूरा टफन ग्लास है, तो स्टोरेज काफ़ी बढ़िया है। फ्रेश जोन यहाँ पे फ्रीज़र के ऊपर वेजिटेबल बॉक्स के ऊपर लिखा गया है। ये इसका डोर का डिज़ाइन है, यहाँ पे आप छोटी बॉटल्स, बड़ी बॉटल्स के लिए अलग से जो रैक है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यानी आप छोटी बॉटल्स ऊपर की साइड और बड़ी बॉटल्स नीचे की साइड, कुछ मेडिकल का आपका कोई ग्रोसरी है या ऐसा कुछ है तो आप बीच में रख सकते हैं।
यहाँ पे डोर कूलिंग का भी ऑप्शन ही आपको देखने को मिल जाएगा। डोर कूलिंग ये पेटेंट टेक्नोलॉजी है एलजी की, आपको किसी भी और रेफ्रिजरेटर में देखने को नहीं मिलेगा। ये जो आपका डोर कूलिंग के जो डक्ट दिए गए हैं, यहाँ से जो कूलिंग आएगा वो सीधा आपके डोर के ऊपर पड़ेगा। यानी डोर के ऊपर पड़ने से क्या होता है, देखिए ये आप जैसे ही बंद करेंगे तो डोर कूलिंग का जो डक्ट है सीधा आएगा डोर की, जो आपने चीज़ें रखी है यानी बॉटल्स रखी है या जो भी चीज़ें रखी है, सीधा उस पर कूलिंग करेगा। तो ये काफ़ी बढ़िया सा डिज़ाइन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। काफ़ी बढ़िया सा स्टोरेज है, 360 लीटर इसका कैपेसिटी है। तो अगर आप परचेस करना चाहे तो 100% कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी वाइज और जो स्पेसिफिकेशन वाइज काफ़ी बढ़िया रेफ्रिजरेटर है ये। और अगर कुछ और स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे जो गास्केट आता है वो रिमूवेबल आता है, क्योंकि गास्केट हमेशा ख़राब हो जाता है। आपको अगर हाइजीन का फैक्टर आपको देखना है तो ये गास्केट आप रिमूव करके उसे साफ़ करके फिर से आप लगा सकते हैं। तो रिमूवेबल गास्केट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था एलजी का 360 लीटर का डबल डोर रेफ्रिजरेटर जो है 2022 का मॉडल। और होप सो आपने, मैंने जो आपको स्पेसिफिकेशन जो डिटेल्स बताई वो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप इसे परचेस कर सकते हैं। तो हम हमारी चैनल पे ऐसे ही नए नए प्रोडक्ट्स के वीडियोस लाते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।